दोस्तों GRB-211211A ये एक ऐसा गामा बस्ट है जो कि साइंटिस्ट की सोच बदल देता है। मतलब साइंटिस्ट को एक साल पहले ये गामा बस्ट मिला था और इस पे स्टडी करने के बाद ये पता चला कि आखिरकार ये गामा बस्ट 2 सेकंड से ज्यादा चला। दोस्तों आमतौर पे गामा बस्ट 2 सेकंड से कम वक्त के होते हैं, मतलब एक लाइट के फ्लैश की तरह होते हैं, हुए और खत्म। लेकिन दोस्तों GRB-211211A एक ऐसा गामा बस्ट था जो कि 2 सेकंड से ज्यादा चला और 2 गामा बस्ट को जन्म दिया। मतलब ये एक ऐसा गामा बस्ट था जिसमें एक गामा बस्ट तो हुआ ही, उसके बाद एक और गामा बस्ट हुआ। और दोस्तों एस्ट्रोनॉमर को ये लगता है कि जब कोई 2 न्यूट्रॉन स्टार टकराए होंगे तब इस तरह का किलोनोवा फॉर्म हुआ होगा और उसी से ये गामा बस्ट निकला होगा। तो दोस्तों ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ये करीबन 50 सेकंड से ज्यादा चला और ऐसा गामा बस्ट कभी नहीं हुआ था। और दोस्तों इस गामा बस्ट के डिस्टेंस की बात की जाए तो ये करीबन 1.1 बिलियन लाइट ईयर दूर था और इसको कैप्चर करने वाले टेलीस्कोप का नाम है स्विफ्ट एंड फर्मी स्पेस टेलीस्कोप।